जी स्टूडेंट्स, आज हम टॉपिक पढ़ेंगे इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। हम देखते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और साथ में हम राइबोसोम्स को भी देखेंगे। हमें पता है कि सेल जो है वो डिफरेंट ऑर्गेनेल्स और कंपोनेंट से मिलकर बना है, और ये इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम भी सेल ऑर्गेनेली है। राइबोसोम जो है ये कंपोनेंट है, ये ऑर्गेनेली नहीं है, क्योंकि इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें मेम्ब्रेन होती है, इसलिए इसको हम ऑर्गेनेली कहते हैं। ठीक है, हम यहाँ लिख लेते हैं ये ऑर्गेनेली है, और ये जो है ये सेल के अंदर पाया जाता है। ठीक है, लेकिन जो राइबोसोम्स है वो ऑर्गेनेली नहीं है। ठीक है, क्योंकि इसके अंदर मेम्ब्रेन नहीं होती, इसको हम अलग डिस्कस करेंगे बाद में। पहले हम इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को देख लेते हैं। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की फर्स्ट प्रॉपर्टी हमें समझ आ गई क्या है, एक तो ये मेम्ब्रेनस ऑर्गेनेली होगा। ठीक है, और ये कैसा ऑर्गेनेली है, इसका क्या काम है, मेम्ब्रेन है इसके अंदर। ठीक है, और ये ऑर्गेनेली हमने लिख लिया है, और मेम्ब्रेन बाउंड्रीड लिख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब हम ये देखते हैं, इसकी एक डायग्राम देख लेते हैं, जिसके अंदर हम ये देखते हैं कि सेल के अंदर ये कहाँ से शुरू होता है और इसका क्या फंक्शन है। ठीक है, अगर न्यूक्लियस के अंदर कोई प्रोडक्ट बन जाए तो वो बाहर कैसे ट्रांसफर होगी। न्यूक्लियस को बाहर पहुंचाने के लिए हमें भी जिस तरह ट्रांसपोर्टेशन के लिए कोई पाथवे चाहिए होते हैं, हम रोड इस्तेमाल करते हैं, इस तरह सेल के अंदर जब न्यूक्लियस में कुछ प्रोडक्ट बनती है, आरएनए बनता है, उसको उसने साइटोप्लाज्म में बाहर तक पहुंचाना है। ये सेल है हमारे पास एक, ठीक है, और सेल के बाहर जो है हमारे पास साइटोप्लाज्म है, उसके अंदर बाकी ऑर्गेनेल्स भी मौजूद हैं। तो सेल से बाहर जब हम इन्फॉर्मेशन पहुंचानी है तो उसके लिए हमें पाथवे चाहिए, चैनल चाहिए, तो वो चैनल जो है वो इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ठीक है, अब हमारे पास ये यहाँ से हमने सेल से ये बाहर करके हमने बड़ा करके देखा, ये हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपको लाइनें नजर आ रही है। ठीक है, कर्व से नजर आ रहे हैं, ये रोड्स हैं, पाथवे हैं, इसको हम चैनल कह सकते हैं, कुछ भी कह सकते हैं। ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे लिख लेते हैं ये हमारे पास क्या है, चैनल है। चैनल क्या करेगा, हमें रास्ता प्रोवाइड करेगा मटीरियल्स को गुजरने के लिए। ठीक है, यहाँ हम लिख लेते हैं चैनल्स हैं, और अब हमारे पास इसके ऊपर छोटे छोटे दाने नुमा जो चीजें नजर आ रही हैं, राइबोसोम्स हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं वो एक डॉट टाइप मॉलिक्यूल होते हैं, और इनके ऑर्गेनली नहीं होते, ये सिर्फ एक पार्ट होते हैं सेल का और प्रोटीन बनाते हैं। इसको हम डिटेल में बाद में पढ़ेंगे, अभी हम देख लेते हैं इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक और डायग्राम के, ये न्यूक्लियस से बाहर चीजें कैसे लेकर आएगा। ये हमारे पास इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की एक और डायग्राम है। ये देखें, न्यूक्लियोपोर होते हैं, हमने जैसे न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर में देखा था सुराख होते हैं उसकी मेम्ब्रेन में, और न्यूक्लियर एनवेलप के जो उसके मेम्ब्रेन है, एनवेलप है, उसमें सुराख है। अब न्यूक्लियस के अंदर कोई चीज बनेगी, इससे ये बाहर आएगी, इसके साथ बिल्कुल न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन के बिल्कुल साथ ही ये पाथवेज, ये रोड्स बने हुए हैं, इन इनसे मटीरियल पास होकर ये बाहर निकलेगा, यहाँ पर आएगा। ठीक है, अब हमारे पास जो है ये इसकी स्ट्रक्चर, हमें जो इसके दो पार्ट है, एक रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है और एक स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। इन दोनों की कैरेक्टरिस्टिक्स, इसका मतलब इसके दो पार्ट्स हैं, उनको हम वन बाय वन देख लेते हैं, और इसके ऊपर राइबोसोम्स भी लगे होते हैं जो कि प्रोटीन बनाते हैं। जी स्टूडेंट्स, अब हम इसकी टाइप्स देख लेते हैं, इसकी हमारे पास टू टाइप्स हैं, हम यहाँ लिख लेते हैं। नंबर वन पे हमारे पास टाइप आती है रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसे रफ इसलिए कहते हैं क्योंकि इसके ऊपर राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, इसकी सरफेस जो है रफ हो जाती है, इसलिए हम इसको रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। ठीक है, और इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जैसा कि मैंने आपको बता दिया है, ये सेल की रोड्स हैं, इसके पाथवेज हैं जो कि मॉलिक्यूल्स को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाएंगे। ठीक है, इसको हम शॉर्ट एब्रीवेशन में RERB लिखते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब करता क्या है, इसका फंक्शन क्या है। ठीक है, इसके स्ट्रक्चर में एक चीज प्रेजेंट है, वो हम यहां लिख लेते हैं राइबोसोम्स। ठीक है, स्ट्रक्चर में ये चीज ऐड हो गई है, ठीक है, राइबोसोम्स। ठीक है, अब इसके बाद हमारे पास इसका फंक्शन क्या है, वो हम यहां लिख लेते हैं। फंक्शन इसका जी ये है कि ये प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, प्रोटीन सिंथेसिस करेगा। प्रोटीन एक मॉलिक्यूल है जो सेल को फंक्शन करने के लिए, बायो मॉलिक्यूल है जो सेल को फंक्शन करने के लिए बहुत जरूरी है। ठीक है, सेल के अंदर जितने फंक्शंस हो रहे हैं वो प्रोटीन परफॉर्म करती है, स्ट्रक्चर भी बनाती है। इसके बाद हमारे पास स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आ जाता है। स्मूथ जैसा कि नाम से जाहिर है, कोई सॉफ्ट चीज होगी, उसकी रफ सर्फिस नहीं होगी, उसकी जो है वो सर्फिस जो होगी स्मूथ होगी, हमें टच करने में, देखने में सॉफ्ट लगेगी और देखने में भी हमें वो साफ लगेगी। ठीक है, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, इसको हम लिखते हैं SERN के, स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब इसकी क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, नो राइबोसोम। ठीक है, इसके अंदर राइबोसोम्स नहीं होते, इसका मतलब है हमें ये पता चल गया कि राइबोसोम नहीं होगा तो जाहिर बात है प्रोटीन ही नहीं बनेगी, क्योंकि राइबोसोम जो होते हैं वो प्रोटीन बनाते हैं। और ये क्या बनाएगा फिर, ये लिपिड्स बनाएगा। लिपिड्स क्या होते हैं, ऑयल होते हैं। ठीक है, ऑयल जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, ऑयल के मॉलिक्यूल्स को हम कहते हैं। ठीक है, ऑयल मॉलिक्यूल है, स्मॉलेस्ट जो होते हैं ऑयल मॉलिक्यूल्स मॉलिक्यूल्स। ठीक है, नाम लिख लेते हैं, ऑयल मॉलिक्यूल्स हैं। ठीक है, और ये इसका एक और काम भी है कि जो हार्मफुल हमारे बॉडी में अगर कोई हार्मफुल चीज एंटर हो जाए तो उसको डिटॉक्सिफाई करना। डिटॉक्सिफाई मीन करना कि उसकी जो हार्मफुल इफेक्ट्स है उसको खत्म करना। ठीक है, अब हम आगे जो पढ़ेंगे वो हम राइबोसोम्स को पढ़ेंगे और देखते हैं कि वो क्या काम करते हैं।
जी स्टूडेंट्स, अब हम राइबोसोम्स को देख लेते हैं। राइबोसोम्स जो होते हैं सेल के अंदर, यहाँ हम छोटा सा एक सेल ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है। इसके अंदर साइटोप्लाज्म में छोटे छोटे दाने मौजूद होते हैं, इनको हम राइबोसोम्स कहते हैं, ठीक है। राइबोसोम्स जो हैं वो डॉट्स स्ट्रक्चर्स होते हैं, लेकिन ये ऑर्गेनेली नहीं है, ठीक है। फर्स्ट ऑफ ऑल इसकी करेक्टरिस्टिक ऑर्गेनेली ना होने की ये है कि नो मेम्ब्रेन, इसके इर्द गिर्द कोई मेम्ब्रेन, कोई कवरिंग नहीं होती। ये सीधा एक मॉलिक्यूल है जो कि साइटोप्लाज्म में पाया जाता है, ठीक है। एक सेल का पार्ट है, ठीक है। और ये किस चीज का बना होता है? इसके अंदर दो चीजें होती हैं, एक तो इसमें आरएनए होता है, ठीक है, आरएनए होता है, प्लस इसमें प्रोटीन होती है। आरएनए प्लस हम प्रोटीन यहां लिख लेते हैं, प्रोटीन होती है, ठीक है। ये दोनों मिलके फिर प्रोटीन प्रोटीन बनाते हैं, ठीक है। इसका फंक्शन क्या है ये हम यहाँ लिख लेते हैं। फंक्शन इसका काम है जी प्रोटीन बनाना। जितने भी सेल के अंदर फंक्शन हो रहे हैं वो प्रोटीन परफॉर्म करती है, और प्रोटीन कहाँ से आती है? वो राइबोसोम्स बनाते हैं, ठीक है। और ये कहाँ कहाँ पाया जाता है, इसकी प्रेजेंस कहाँ पर है, हम यहाँ लिख लेते हैं प्रेजेंस। हम जानते हैं, हम पहले भी पढ़ चुके हैं, ऊपर हमने रफ इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम पढ़ा है, इसका मतलब है कि इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम में पाया जाता है, इंडो प्लाज्मिक रेटिकुलम, ठीक है, रेटिकुलम। अब इसके बाद जो दूसरी जगह है वो साइटोप्लाज्म है, ये वहां पाया जाता है। साइटोप्लाज्म जो कि सेल का जेली लाइक मैटर है, और वो उसके अंदर चीजें फ्लोट करती हैं। ये किस तरह का होता है इसकी हम एक डायग्राम देख लेते हैं, ठीक है। डायग्राम से हमें अंदाजा हो जाएगा कि ये दो यूनिट से मिलकर बना होता है। यहां पर मैं आपको डायग्राम दिखाती हूँ, ये देखें, ये आपको नजर आ रही है, इसके दो यूनिट्स हैं, ठीक है। ये वाला स्मॉल यूनिट है, ये बड़ा यूनिट है, और ये पता कहाँ पाया जाता है, कौन कौन से सेल्स में पाया जाता है? ये तमाम ऑल यूकैरियोटिक सेल हो या प्रोकैरियोटिक सेल हो, उन दोनों में पाया जाता है। हमें पता है जैसे कि यूकैरियोटिक सेल हमने पहले भी पढ़ा है, यूकैरियोटिक सेल वो होते हैं जिनमें न्यूक्लियस होता है, और प्रोकैरियोटिक सेल वो होते हैं जो कि जिनमें न्यूक्लियस नहीं होता। तो प्रोकैरियोटिक सेल हो और यानी हमारे पास यूकैरियोटिक सेल हो, इन दोनों में ये पाया जाता है, ठीक है। प्रोकैरियोटिक सेल थोड़ा सा सिंपल होता है, लेकिन उन दोनों में क्या होता है, इन दोनों में ये प्रेजेंट होता है राइबोसोम, ठीक है। और राइबोसोम का काम क्या है? प्रोटीन बनाना। प्रोटीन की जरूरत जो है वो प्रोकैरियोटिक सेल को भी है, यूकैरियोटिक सेल को भी है, और बस इनके साइज में थोड़ा सा फर्क होता है, बाकी इन दोनों में कोई फर्क नहीं होता। आज हमने रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और राइबोसोम्स के बारे में पढ़ा। राइबोसोम्स प्रोटीन बनाते हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स हमने इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दो टाइप्स पढ़ी हैं, रफ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हमने इसका स्ट्रक्चर भी देखा है, ठीक है। तो ये आज का टॉपिक था, और हमने इसको आज डिस्कस किया।